मैं केदारनाथ का सीन कर रही हूँ। अब मेरे पास दो दो चाय हैं, ये और ये, मैं नहीं दूंगा। तो थप्पा नहीं लाए अपने लिए, वहाँ तुम्हारा ही थप्पा बन जाता, इतनी भीड़ हो रही है। ये बोल रही है लोटे वाली फेमस जलेबी मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। हाँ व्हाट्सअप यार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YJ व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। ऑसम सा नैनीताल, फुल है बिल्कुल पर्यटकों से, कोई पार्किंग खाली नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है कि गाड़ी आप कहीं लगा नहीं सकते, लंबे लंबे जाम में फंस जा रहे हैं। फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो है फूडिंग ब्लॉग। आपको पता ही है हमारे हर ब्लॉग में देखते हुए कभी कुछ बनाते रहते कभी कुछ, तो ये हमारा एक तरह से नैनीताल का जो स्पेशल फूड है, जो जो चीज़ें फेमस है वो हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं। सबसे पहले मेरा जी कहाँ, हम जिस लोकेशन पे हैं इससे सबसे पास है सोनम मोमो। तो यहाँ के जो सोनम मोमो है वो बहुत ही फेमस है, मेरा जी तो जब भी आते हैं सोनम मोमो ही खाते हैं। और वहाँ थुप्पा भी बहुत फेमस है ना, सोनम के मोमो मुझे बहुत पसंद है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं सोनम मोमोज। तो बस हम पहुँच चुके हैं सोनम के मोमो को बिल्कुल पास। यहाँ आगे क्या कहते हैं भोटिया मार्केट भी है, ये भोटिया मार्केट आप यहाँ पे स्टार्ट भी बोल सकते हैं और एंड भी बोल सकते हैं। हाँ, इस साइड से आएंगे तो स्टार्ट है, उस साइड से आएंगे तो एंड है। तो और ये यहाँ पर देखिए कितने सस्ते कोर्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, जैसे आप कोई मतलब अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये है नैनीताल की सबसे सस्ती मार्केट। तो यहाँ पे कितने तक के हैं भैया? 550। अच्छा, तो ये देखिए 550 रुपये में। ये देखो यार ये कितना मस्त लग रहा है। ये लेडीज़ है ना, मतलब लड़कियों के ज्यादा मिलते हैं, लड़कों के नहीं मिलते। लड़कियों को ज्यादा चाहिए होते हैं ना कपड़े, लड़के तो एक ही सही बात जिंदगी निकाल देते हैं। ये भी सही बात। ओ भाई साहब कितनी भीड़ हो रही है देखो भोटिया मार्केट में। 1983 से है ये शॉप। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर नॉनवेज स्टीम मोमो है, फुल है 120 का फुल प्लेट है और 60 रुपीज का हाफ प्लेट है मोमो, आप लोग खा सकते हैं। वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है यहाँ पर। हाँ, और ये पूरी है भोटिया मार्केट। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे मोमो के दीवाने हैं, महाराज जी वेटिंग में है। ये देखिए लेके आ गए इतना सारा थुप्पा, इतनी भीड़ है ऐसा लग रहा है फ्री में बट रहे हैं। इन लोगों को मिल चुके हैं, इन लोगों को लग रहा है जंग जीत ली इन लोगों ने। ये देखो भैया मोमो खा रहे हैं, ये सब वेटिंग में है, ये भी खा रहे हैं, अपने बच्चे को खिला रहे हैं मोमो, मोमो खाते हुए। ये देखो ये दोनों बच्चे भी खा रहे हैं। कैसा हो रहा है मोमो, अच्छा हो रहा और खाने? ये देखो हमारे नए सब्सक्राइबर मिल गए हमको, तो एक बार बोल दो सब YJ ब्लॉग्स। ये देखो भीड़ कैसी लगी हुई है, और कोई पैसे दे रहा, कोई वो लेने को तैयार नहीं है। आधे घंटे के जद्दोजहद के बाद मेहरा जी को मोमो मिल गए। सही में यार जंग जीत के आ गए तुम। तो थुप्पा नहीं लाए अपने लिए, वहाँ तुम्हारा थुप्पा बन जाता, इतनी भीड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है शॉप में आज फ्री में बांट रहे हैं, आपको पता चल गया वो कितने फेमस है, इतनी भीड़ इतना हल्ला इतना मस्त, आवाज़ भी नहीं निकल रही महाराज जी की, पिचक गए थे सबके बीच में। कैसा लग रहा है महाराज जी मोमो खा के? मोमो खा के तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना छोटे बच्चे से लेके बुढ़े तक मिल रहे थे यहाँ पर मोमो खाते हुए, मतलब हर एज के लोगों पर ऐसा चाइनीज़ का क्रेज़ हो गया है ना, क्या बताऊँ। एक छोटा बच्चा तो मुँह भी बोल भी नहीं पा रहा था, ऐसे बोला बहुत अच्छा बोला है। वो तो इतनी भीड़ थी नहीं तो महाराज जी तो थुप्पा भी लेके आते, भीड़ नहीं होती तो मैं खा लेता। तो ये स्टार्टिंग ही में ये दुकान है और हम हमेशा यहाँ पे चाय पीते हैं। यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, क्या कहती होती मो? बहुत मस्त चाय बनाते भैया, हमने पिछली बार भी यहाँ बन मक्खन और चाय वगैरह खाई थी, सॉरी चाय वगैरह पी थी। बन मक्खन खाया था। देखिए जो भोटिया मार्केट है उससे बगल वाली गली है, वहाँ पर ये शॉप सबसे लास्ट में, यहाँ से सबसे फर्स्ट में जेम्स मैगी पॉइंट है। केदारनाथ का सीन कर रही हूँ। ओके। अब मेरे पास दो दो चाय हैं, ये और ये, मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं वापस करो। वो सिर्फ सीन था। ओके। तो पीते हैं चाय फिर निकलते हैं। तो अब हम ये आ चुके हैं बड़ा बाजार पे, द हेरिटेज मार्केट। 1845 में ये बनी थी। फ्रेंड्स अब हमारा जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो है बहुत ही स्पेशल है, अभी हमने खाए सोनम के मोमो, अब हम खाएंगे लोटे वाली जलेबी। तो आपने देखा होगा वहाँ मूवी में जो बोलते नहीं हो उसके शाहिद कपूर के पापा से, आज हम आपको जलेबी का नाश्ता कराएंगे। कौन बोल रहे हो? आलोकनाथ। तो आज हम मेहरा जी को जलेबी का नाश्ता कराएंगे। अब हम चलते हैं जलेबी खाने, जलेबी दही
जो काफी फेमस है यहाँ की शॉप। यहाँ पे देखो किस तरह से कैरम खेल रहे हैं। सही बात, हमने वहाँ खेला था ना सड़िया ताल में, मामू लोटा वाला ऐसे करके कुछ है। तो अभी ढूंढते हैं लोटे को, खाएंगे लोटे वाली जलेबी। और यहाँ पर की नमकीन भी बहुत फेमस है, अभी एक नमकीन भी लेके जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो ये सामने है ये रामलीला मैदान है, तो काफी मिठाइयों की शॉप थी यहाँ पर और सबने अपना नाम मामू मामू लिख रखा है। हमें कौन से मामू के पास जाना है, तो वो बोल रहे थे कि आगे से गली जाएगी उधर को मुड़ जाना, वहाँ से आपको मामू की दुकान मिल जाएगी। मामू की दुकान नहीं है शायद यार, कुछ और नाम उसका। अच्छा, और ये है रामलीला ग्राउंड यहाँ का। पता नहीं, ये रोड पे भी लोग बैठते होंगे ना, ऐसे मुड़ना है नीचे को, है ना लेफ्ट साइड। तो ये है नैनी जलेबी भंडार, दुकान नंबर 183 बड़ा बाजार मलिता, लोटे वाली जलेबी। तो ये है लोटे वाली जलेबी की दुकान, लेकिन अभी ये बना नहीं रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं बनाने के लिए। तब तक हम जाते हैं जो यहाँ की सबसे पुरानी नमकीन की दुकान है, वो है ये। तो देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है नमकीन के लिए, जैसे वहाँ मोमो के लिए हो रही थी भीड़, यहाँ नमकीन के लिए। तो ये सबसे पुरानी दुकान है यहाँ की, पवारी नमकीन नैनीताल इंडिया, ये सबसे फेमस दुकान है। पैकेट के अंदर भी यहाँ पे कोई ख़राब नहीं होती है, एक एक महीने तक चल जाएंगी ऐसा अंकल जी कह रहे हैं। तो हम लेंगे ये वाली और वो वाली, ठीक है, वो मेहमान आएंगे तब ये हम खाएंगे। अंकल जी ये कितने साल पुरानी है दुकान? दुकान को करीब करीब 60 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, 60 साल से ऊपर। अच्छा, तो फाइनली हमारा नंबर आ गया है। तो अभी हम आए हुए हैं नैनीताल की सबसे फेमस लोटा जलेबी वाली शॉप पे। तो भैया ने वैसे जलेबी निकाल दी थी, बस हमारे रिक्वेस्ट करने पे भैया अभी दोबारा से जलेबी बना रहे हैं। तो ये जो रामलीला होती है वो सब्जी मंडी के बगल से गली गई हुई है, तो यहीं पर आपको फेमस दुकान बवाड़ी नमकीन और लोटा जलेबी एक ही गली में है, एक ही जगह है। तो ये दुकान 1850 में बन गई थी, सोचिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ मिठाई की दुकान कोई नहीं थी, तो हमारी जलेबी बाटी खड़ी थी उस समय। जलेबी क्या जलेबा, मतलब वैसे जो ये साइज है ये छोटा, ये बहुत छोटा साइज है, हमारा नाम पड़ा हुआ हमने जलेबा लिख रखा, तो जलेबा जो जैसे लिखा ये साइज नहीं होता था, बड़ा साइज होने वाला हुआ इससे बड़ा, तब जलेबा जलेबा कहने वाले की बड़ा मेल वाला हो गया ना जलेबा। और जब यहाँ नंदा देवी का डोला उठता है तो उस समय जलेबा बनता है 2-2.5 किलो का, इतना बड़ा जलेबा, इससे मतलब इससे भी बड़ी कढ़ाई का डोला होता है। हाँ, हल्द्वानी भी तो होती है यहाँ पे। देखो मिसेस तिम्मो आ गई हैं, ये बोल रही है लोटे वाली फेमस जलेबी मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। हाँ, और ये मैंने भैया से बोला है रिस्क है, मेरे पति को खिलाने वाली जलेबी, तो देखो मैंने बना दी है स्टाइलिश जलेबी, मेरी जलेबी सबसे अलग लग रही है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया ने हमें जलेबी खिला रहे हैं और गाना भी सुना रहे हैं। देखो मेरी जलेबी इसमें अलग ही नजर आ रही होगी, एक जलेबी इसमें तिम्मू ने ही बनाई है, ये वाली है जो देखो जिसकी पूंछ निकली हुई है। लेकिन भैया इतनी बुरी भी नहीं बनाई ना, ठीक ही है। आज तक जलेबी नहीं खाई है कभी, आज मैं पहली बार चखूंगी, क्योंकि मैं बाहर की चीजें नहीं खाती हूँ ना, मैं मोमो चाउमिन वाउमिन कुछ नहीं खाती हूँ। इसकी एक चीज और क्वालिटी मैंने नहीं बताई, मोटा होने के बावजूद जलेबा जैसे हुआ मोटा होगा लेकिन क्रिस्प और करंची होगा, एक करारा बिल्कुल। अच्छा, मोटी जलेबी जो होती है वो करारी, हाँ, वो करारी नहीं होती है, ये करारी उतना ही कट वाला। तो आप लोग आए तो जरूर जलेबी खाइएगा भैया की शॉप में, और भैया से गाना भी सुन के जाइएगा। तो ये आ चुके हैं देखिए हमारी गर्मा गर्म जलेबी और दही, और मेरा जी इस पर टूट पड़ने वाला है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मैं घर से भूखा भी आया इसीलिए कि यहाँ पे यहाँ की जलेबी दही खाऊंगा। मेरा जी बताएंगे कैसे लगी उन्हें जलेबी। थैंक यू।
नैना जी का मुंह देख के तो मैंने बहुत टेस्टी लगी है, बहुत मस्त। और जो भैया बोल रहे थे ना, जैसे इतना मोटा दिख रहा है और फिर भी क्रिस्पी है। हाँ, अगर आप कहीं बाहर लोगे तो ये ऐसा लगता है ऐसे दबाओगे तो सॉफ्ट टाइप का, अभी बिल्कुल क्रंची हो रखा है। तो यहाँ पे हमने जलेबी खा ली है, बहुत प्यारी जलेबी भैया बनाते हैं, बहुत अच्छी। यहीं पर अंदर यहाँ के समोसे की शॉप है, भैया बोल रहे हैं समोसे खाने, समोसे खाने के लिए भैया बोल रहे हैं मैं तुम्हें दिखा लाता हूँ चलो करके। अभी हमें नैनीताल के बड़ा बाजार मार्केट में समोसे वाली दुकान है उसको दिखाने के लिए भैया खुद आ रहे हैं हमारे संग। तो ये है माँ लक्ष्मी स्वीट्स। तो ये हम आ चुके हैं फेमस समोसे की शॉप में, हम यहाँ से खाएंगे समोसे। तो भैया भी हमारे संग ही आ गए हैं, अब भैया भी समोसे ले रहे हैं, हमने कहा हम भी समोसे ट्राई कर लेते हैं। तो भैया बता रहे हैं कि समोसे यहाँ के फेमस है और ये बड़ा बाजार मार्केट है, 1971 से शॉप है। तो ये आ चुके हैं समोसे, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मैं तो सीधे शूट कर रही हूँ। कैसे ले रहे हैं तिमो? मस्त, काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। तो ये भैया ने एक चॉकलेट भी दे रखी है, जितने अच्छे यहाँ के समोसे हैं उतनी अच्छी मिठाई भी है। गुलाब जामुन तो जरूर खाइए यहाँ। यहाँ पे जो समोसे हैं वो दिन 11 बजे से 1:30 बजे तक आपको समोसे मिल जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे स्वीट्स मिल जाएंगी। जरूर, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस शॉप पे विजिट कीजिएगा, महालक्ष्मी करके है ना, महालक्ष्मी स्वीट बड़ा पांडे जी की शॉप है, शॉप नंबर। ओके सर, थैंक यू।